खोज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और खोज वर्ल्ड में आज हम आपको बताएंगे ऐसी 6 चीजें जो सिर्फ जापान में ही मौजूद हैं, वो और कहीं मौजूद नहीं है। क्या है ये मिस्ट्री, आज इससे पर्दा उठा देंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया आज तकनीक के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। आधुनिकता के इस दौर में हर कोई नया आविष्कार कर रहा है जो हमारी जिंदगी को और भी आसान बनाने का काम कर रहा है। हालांकि तकनीक के क्षेत्र में जापान ने जितनी प्रोग्रेस की है, शायद ही उतनी प्रोग्रेस किसी और देश ने की होगी, क्योंकि तकनीक के क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ जापान में ही मिलती हैं। दूसरे देशों में उन चीज़ को देखना दुभर हो जाता है। दोस्तों, कौन कौन सी हैं वो तकनीक से जुड़ी हुई चीज़ें, आइए विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेंडिंग मशीन की। वेंडिंग मशीन ATM की तरह एक मशीन होती है। भारत में इसका इस्तेमाल लगभग एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन पर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स निकालने के लिए होता है। इस मशीन में पैसे डाले जाते हैं और जरूरत के मुताबिक जो चीज चाहिए उसका बटन दबाकर निकाल लिया जाता है। लेकिन जापान में मौजूद वेंडिंग मशीन सिर्फ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स तक ही सीमित नहीं है। इस मशीन में रोजमर्रा की हर चीज शामिल है, जिनमें कपड़े से लेकर जूते जैसी चीजें भी निकाली जाती है। जापान में वेंडिंग मशीन हर गली और चौराहे पर देखने को मिलती है, इससे लोगों को सहूलियत रहती है। बात करेंगे हीटेड कारपेट की। अक्सर सर्दियों के मौसम में फर्श ठंडे रहते हैं, जिन पर चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जापान के लोगों ने एक ऐसे कारपेट का आविष्कार किया है जिसे बिजली की मदद से गर्म किया जा सकता है, और सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल गर्माहट के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही ये कारपेट वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ भी होता है। अगली तीसरी चीज की बात करेंगे, जिसका नाम है बिना पानी की वॉशिंग मशीन। जापान के लोगों ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया है जिसमें कपड़े धोने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस मशीन में केमिकल पाए जाते हैं जो कपड़ों को साफ करने और कपड़ों पर मौजूद बैक्टीरियाज को मारने में मददगार साबित होते हैं। बात करेंगे कीबोर्ड या ड्रम सेट की। जापान के लोगों ने एक ऐसे ही कीबोर्ड का आविष्कार किया है जो ड्रम सेट की तरह दिखता है। इसका आकार गोल है। गोल आकार का होने के कारण इन ड्रम सेट को स्टिक्स से भी चलाया जा सकता है। लेकिन ये कीबोर्ड सिर्फ जापान में ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जापानी भाषा में बनाया गया है। बात करेंगे घुमावदार ट्रेन सीट की। कई बार लोगों को ट्रेन के सफर में घबराहट, बेचैनी, उल्टी आने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके निजात पाने के लिए जापान में टर्निंग ट्रेन सीट का आविष्कार किया गया है। जापान की ट्रेनों में भीड़ ज्यादा होती है, जिसके बाद लोगों को मोशन सिकनेस भी होने लगती है, जिसे देखते हुए यहाँ ऐसी सीट्स इंस्टॉल की गई हैं जो किसी भी दिशा में घूम सकती हैं। इसके साथ ही भीड़ बढ़ने पर ये सीट फोल्ड भी हो जाती हैं। बात करेंगे TKP गेट टावर बिल्डिंग की। ये बिल्डिंग बेमिसाल तकनीकी का जीता जागता उदाहरण है। इस बिल्डिंग के अंदर से हॉनशेन एक्सप्रेसवे नामक एक हाईवे गुजरता है। बिल्डिंग के मालिक और जापान की सरकार के बीच विवाद के चलते ये रास्ता निकाला गया था। दोस्तों, सच में ये चीजें तकनीक से जुड़ी हुई जापान में ही मिल सकती हैं। दोस्तों, हमको भी जापान से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। खोज वर्ल्ड में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।